भ्रष्टाचार के नए नए मॉडल लेकर आते हैं। जो कट्टर ईमानदार है, जिसने पारदर्शिता की राजनीति शुरू की, बीजेपी की राजनीति खत्म की, उनको ऐसे ट्रीट किया जा रहा है। सत्ता का लोभी एक व्यक्ति सत्ता के बिना छटपटा रहा, उसको चैन नहीं आ रहा। पूरे समय वो सिर्फ यही पूछते रहे कि दिल्ली की जनता कैसी है, जनता कैसे। राजमहल में सोने की आदत है, कहाँ उसको जेल के कमरों में अपने कर्मों से रहना पड़ रहा है। जो हार्डकोर क्रिमिनल होते हैं, जो खतरनाक अपराधी होते हैं, उनके वाली सहूलतें भी नहीं मिल रही है। तो आज सबसे पहले उस खबर की बात जरूर कर लेनी चाहिए जिसमें कहीं ना कहीं ऐसे संकेत दिख रहे हैं कि देश को झुकाने की साजिश हो रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भले ही सुप्रीम कोर्ट से लेकर लोअर कोर्ट तक, ये फैक्ट है, सुप्रीम कोर्ट से लेकर लोअर कोर्ट तक लगातार झटके मिल रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी और इंडिया गठबंधन क्या कहता है, क्या कहता है कि केजरीवाल राजनीतिक, इस शब्द पर ध्यान दीजिएगा, राजनीतिक साजिश के तहत जेल में भेजे गए हैं। आज भले ही सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को चुनाव प्रचार की इजाजत नहीं दी, लेकिन केजरीवाल के मंत्री सौरभ भारद्वाज कह चुके हैं कि शराब नीति केस भारत की सबसे बड़ी राजनीतिक साजिश है। आज कोर्ट ने भले ही शराब घोटाले केस में केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 23 अप्रैल तक बढ़ा दी, लेकिन आम आदमी पार्टी शुरू से कहती है कि पूरा केस फर्जी है और ये सब कुछ राजनीतिक साजिश के तहत हो रहा है। भले ही कोर्ट पिछले एक साल से मनीष सिसोदिया को बेल नहीं दे रही, लेकिन पूरा विपक्ष क्या कहता है कि सिसोदिया को भी राजनीतिक साजिश, गौर कीजिएगा, राजनीतिक साजिश के तहत जेल में रखा गया है। ध्यान दीजिए, केजरीवाल से पहले जब भ्रष्टाचार के आरोपों में हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई तो क्या हुआ, क्या कहा गया, राजनीतिक साजिश। लैंड फॉर जॉब स्कैम में लालू परिवार के खिलाफ केस को क्या कहा गया, राजनीतिक साजिश। राहुल गांधी को जब कोर्ट ने मोदी मानहानि केस में 2 साल की सजा सुनाई तो क्या कहा गया कांग्रेस के कई नेताओं की तरफ से, राजनीतिक साजिश। भारत की न्यायपालिका दबाव में है, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उसी न्यायपालिका ने जब राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी तो कांग्रेस और पूरे विपक्ष का भरोसा न्यायपालिका में लौट गया। इसीलिए तो आज देश के लिए, संविधान के लिए, न्यायपालिका के लिए, लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा सवाल है कि कोर्ट के फैसले को राजनीति बताना, कोर्ट के फैसले को राजनीति से जोड़ना, कोर्ट के फैसलों को सरकार का फैसला बताना न्यायतंत्र का अपमान है कि नहीं है, और क्या ऐसी कोशिशों से लोगों का भरोसा न्यायपालिका से टूटता नहीं है। न्यायपालिका पर इसी गंभीर खतरे को महसूस करते हुए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के 21 पूर्व जजेस ने सुप्रीम कोर्ट को एक लेटर लिखा है। इस लेटर की सबसे महत्वपूर्ण बात पता है क्या, इसमें यह कहा गया है कि न्यायपालिका पर राजनीतिक हितों की वजह से बहुत प्रेशर बनाया जा रहा है और यह बात निष्पक्ष न्यायपालिका के लिए बहुत बड़ा खतरा है। चिट्ठी में कहा गया है कि कुछ लोग राजनीतिक फायदों के लिए भ्रामक जानकारी फैला रहे हैं, इसकी वजह से आम जनता के बीच कोर्ट को लेकर भरोसा कमजोर हो रहा है। इस चिट्ठी में यह भी कहा गया है कि राजनीतिक दुष्प्रचार, उसकी वजह से न सिर्फ न्यायपालिका का असम्मान हो रहा है बल्कि जजेस की निष्पक्षता पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। याद कीजिए, 15 दिन पहले ऐसी ही एक चिट्ठी देश के 600 जाने माने वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट को लिखी थी, और 600 वकीलों की चिट्ठी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि दूसरों को डराना धमकाना कुछ लोगों की पुरानी आदत है। सोमवार के दिन दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को 2 बड़े झटके लगे। जमानत के इंतजार में हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक बार बार जाने के बाद भी उन्हें राहत नहीं मिल रही है। आज के दिन केजरीवाल एक बार फिर परेशान हुए, पूरी खबर आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए क्या हुआ जब पंजाब के सीएम भगवंत मान और केजरीवाल की तिहाड़ जेल में पहली मुलाकात हुई।
पंजाब के सीएम भगवंत मान ने आज तिहाड़ जेल में अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की। केजरीवाल से मुलाकात के दौरान सीएम मान भावुक हो गए और उनके आंसू निकलने लगे थे। जेल में केजरीवाल और भगवंत मान के बीच आमने सामने बात हुई, लेकिन बीच में शीशे की दीवार थी और दोनों के बीच फोन पर ही बात हुई। इस पर भगवंत मान नाराज दिखे। भगवंत मान ने कहा कि शीशा भी ऐसा गंदा था कि एक दूसरे की शक्ल भी नजर अच्छे से नहीं आ रही थी। भगवंत मान ने कहा कि जो सुविधाएं किसी हार्ड कोर क्रिमिनल को दी जाती हैं, वो भी अरविंद केजरीवाल को नहीं दी जा रही हैं। भगवंत मान ने आगे बताया कि उनकी केजरीवाल से मुलाकात बिल्कुल आतंकियों की तरह करवाई गई। सूर क्या मतलब अरविंद केजरीवाल का सूर क्या है? मतलब अस्पताल बना दिए, यही कसूर है। उसने मोहल्ला क्लिनिक बना दिए, यही कसूर है। उसने बिजली फ्री कर दी, यही कसूर है। उसने स्कूल बना दिए, यही कसूर है। तो आप उनको ऐसे ट्रीट कर रहे हो जैसे बहुत देश का बहुत बड़ा आतंकवादी पकड़ लिया हो। आज शीशे के पार जैसे बहुत बड़ा कोई हार्ड कोर क्रिमिनल जो है वो बैठा हो सामने, शीशे के पार फोन पे बात करवाई। जो कट्टर ईमानदार है, जिसने पारदर्शिता की राजनीति शुरू की, बीजेपी की राजनीति खत्म की, उनको ऐसे ट्रीट किया जा रहा है। 23 अप्रैल तक जेल में रहेंगे केजरीवाल। केजरीवाल को 15 दिन की न्यायिक हिरासत पूरी होने के बाद दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट के सामने पेश किया गया। आज ही केजरीवाल की 15 दिन की न्यायिक हिरासत भी खत्म हो रही थी। केजरीवाल को उम्मीद थी कि उन्हें आज बेल मिल जाएगी, लेकिन कोर्ट ने उनकी न्यायिक हिरासत 23 अप्रैल तक बढ़ा दी। सुप्रीम कोर्ट से भी नहीं मिली राहत। सुप्रीम कोर्ट ने भी केजरीवाल को तुरंत राहत देने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल ने चुनाव प्रचार के दौरान राहत के लिए याचिका दी थी। वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दावा किया कि केजरीवाल को लोकसभा चुनाव में प्रचार से रोकने के लिए गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने मामले की अगली सुनवाई जल्दी करने की मांग की। इस पर कोर्ट ने कहा कि सुनवाई 29 अप्रैल से पहले नहीं की जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में ईडी को नोटिस जारी कर 24 अप्रैल तक जवाब देने का निर्देश दिया है। 2 वीक का नोटिस, जिसमें ईडी को रिप्लाई भी करना है और उस रिप्लाई अगर हमने कुछ देना है वो भी कंसिडर करते हुए 29 को 2 वीक बाद पूरी सुनवाई होगी। और हम लोगों को सर्वोच्च न्यायालय से बड़ी उम्मीद है कि देश की जनता इस बात को जानती है कि जिस तरीके से एक पॉलिटिकल मोटिवेटेड झूठे केस के अंदर अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट किया गया है, और ऐसे समय पर अरेस्ट किया गया है जब पूरे देश में एक लोकतंत्र का उत्सव महाउत्सव चल रहा है। इससे पहले 9 अप्रैल को दिल्ली हाई कोर्ट ने लोकसभा चुनाव से पहले केजरीवाल को झटका देते हुए ईडी द्वारा गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका खारिज कर दी थी। अदालत ने कहा था कि बार बार समन भेजने के बावजूद केजरीवाल के ईडी के सामने पेश नहीं होने और जांच में शामिल होने से इनकार करने के बाद जांच एजेंसी के पास कोई खास विकल्प नहीं बचा था। केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार कर लिया था।